अमेरिका में टेक्सास के बाद नॉर्थ डकोटा दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। रोजाना यहाँ 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल निकाला जाता है, वेनेजुएला जैसे तेल संपन्न देशों से भी ज्यादा। दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बेकाबू होने की चिंताएं हैं, तो ऐसे में टियोगा जैसे छोटे कस्बे तेल की खुदाई में बढ़ोतरी से फायदे की आस लगाए बैठे हैं। तेलकर्मी मैथ्यू क्राफ्ट हमें अपना काम समझाते हैं। मैं वेलहेड यानी तेल के कुएं के सोते पर दबावों की जांच करता हूं, ये सुनिश्चित करता हूं कि तेल ठीक से निकलता रहे। ट्रीटर बिल्डिंग को चेक करता हूं, उसका प्रेशर देखता हूं, जो गैस निकलती है उसे जलाना पड़ता है। रोज का उत्पादन चेक करता हूं। इस प्लांट से उत्पादन कितना है? यहाँ हर रोज करीब 20 बैरल तेल निकाला जाता है। टियोगा मुख्य रूप से एक तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगर तेल ना होता तो सिर्फ खेतिहर समुदाय ही बचता, जैसे कि नॉर्थ डकोटा के बाकी अधिकांश इलाके हैं। तो अभी की पहचान के लिए ये बहुत ही जरूरी है। टियोगा में ये लंच का समय है। जगह है साइड स्ट्रीट डाइनर। इसी जगह पर आकर समझ में आता है कि क्यों इतने सारे लोग अक्षय ऊर्जा को अपनाने से हिचक रहे हैं। मेरा पूरा परिवार यहीं का है। मेरे नाना तेल के कुओं में काम करते थे, मैं भी काम करती थी, यानी परिवार में हर कोई काम करता था। यहाँ का मुख्य उद्योग यही है। क्या उन्हें तेल व्यापार में उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया तो रूसी तेल और गैस से मुक्ति पाना चाहती है, या कोई विकल्प हो सकता है? सच पूछिए तो अपना तेल ना बेच पाने से बड़ी चोट पहुंचती है। बेशक ग्रीन एनर्जी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अचानक कटपटे ढंग से सब कुछ बदल देना भी सही नहीं है। हवा कमजोर पड़ जाती है, बादल छा जाते हैं तो पवन चक्कियां काम नहीं करती, सौर ऊर्जा भी काम नहीं आती। जब बर्फ गिरती है, ठंड पड़ती है तो भाई समस्या होने लगती है। दशकों से नॉर्थ डकोटा पर रिपब्लिकन्स का वर्चस्व रहा है, जो तेल और गैस के समर्थक और अक्षय ऊर्जा के विरोधी रहे हैं। जिस राज्य के 65% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे, वहां फ्रैकिंग यानी चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें बनाकर तेल निकालने का भी विकल्प रहा है। लेकिन ये तरीका पर्यावरण को तबाह कर सकता है। इसके विरोधियों को डर है कि ये तेल का नया बूम कहीं नॉर्थ डकोटा के लोगों को और खतरे में न डाल दे। 40 साल से कैथी नेसेट कंसल्टेंट के तौर पर तेल उद्योग से जुड़ी रही हैं। आपको याद रखना होगा कि आजकल की ड्रिलिंग रिग 5 साल या 10 साल पहले की रिगों की तुलना में ज्यादा दक्ष हैं। वो ज्यादा काम कर रही हैं और ज्यादा बढ़िया कर रही हैं। मुझे लगता है कि ड्रिलिंग के काम में गति आएगी। ये अभी उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी और उत्पादन बढ़ेगा, तेल के कुओं पर काम और बढ़ेगा, और जो कुएं मरम्मत के लिए छोड़े हुए हैं उन पर भी कंपनियां जल्द ही उत्पादन शुरू करना चाहेंगी। लियुना एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। उसकी नॉर्थ डकोटा शाखा से 400 तेल खनिक और पाइपलाइन मजदूर जुड़े हैं। राज्य की राजधानी बिस्मार्क में उसका दफ्तर है। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की ओर बड़ा रुझान बन रहा है, ग्रीन एनर्जी की ओर नहीं, क्योंकि जीवाश्म ऊर्जा भरपूर मात्रा में है। इधर नॉर्थ डकोटा राज्य में उसका उत्पादन हो रहा है। जीवाश्म ईंधनों के लिए आवाज और ऊंची हुई है। अमेरिका अपनी जरूरत और निर्यात के लिए भी उत्पादन कर सकता है। फिलहाल तो यही लगता है कि नॉर्थ डकोटा में तेल और गैस का ही बोलबाला रहेगा।